केजरीवाल योगी जी, ये तरीका तुमने बहुत अच्छा निकाला। क्या बताऊं, सर पे इतना ज्यादा कर्जा हो गया था, दिन रात घर पर उधार लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी। अब कोई काम काज चल नहीं पा रहा था, पैसे हो नहीं पा रहे थे, इसीलिए गांव छोड़ने में ही भलाई थी। अब अपना लोग कुछ दिन के लिए अखिलेश के गांव में चलते हैं, वहीं पे काम धंधा करेंगे और पैसा कमा कर लौटेंगे। यहाँ पर जिन जिन लोगों का पैसा आ रहा है उनको वापस कर देंगे, है ना है मोदी जी? ये मेरा ही तरीका था, मैंने सोचा अगर आप चलकर जाओगे तो जिन लोगों का पैसा तुम्हारे ऊपर आ रहा है वो लोग देख लेंगे और वो पैसे मांगने के लिए आ जाएंगे। इसीलिए मैंने सोचा केजरीवाल और मैं तुम्हें एक बड़ी सी चादर को डंडे में बांधकर और चादर में अंदर तुम्हें बैठाकर ले चलते हैं, कोई तुम्हें देखेगा भी नहीं। मोदी जी एक बात बताओ, इतना कर्जा आपने ले क्यों लिया था गांव वालों से कि आपके घर पर कर्जा लेने वालों की भीड़ जमा रहती थी? लेकिन मोदी जी एक बात कहूँ, आपके अंदर भजन बहुत है, उठाए उठाए कंधा दर्द करने लगा। अरे मोदी जी, आपको खेतों खेतों ले जा रहे थे छुपाकर, लेकिन फिर भी लालू जी ने देख लिया। वो देखो लालू जी इतनी बड़े चले आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि मुंह को चादर के अंदर रखो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं मानी। केजरीवाल मैंने भी तुमसे कहा था कि ऐसी जगह से मुझे ले चलो कि कोई देखे ही ना। देखो अब लालू जी ने देख लिया, इनके भी 500 रुपए मेरे ऊपर आ रहे हैं, अब ये अपने 500 रुपए मुझसे मांगेंगे। अरे योगी जी, केजरीवाल मोदी जी को कैसे चादर में बैठा कर ले जा रहे हो? कहीं नहीं लालू जी, शहर में पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। और इससे पहले तुम अपने 500 रुपए मांगो, मैं पहले ही बता देता हूँ, शहर से पैसा कमाकर हम लोग लाएंगे तभी तुम्हारे पैसे वापस करेंगे। और लालू जी आपकी बहुत मेहरबानी होगी, गांव में किसी से मत कहना कि मोदी जी को मैंने इधर जाते देखा है। अरे मोदी जी, सामने से राहुल भी आ गया, इस बार सर को चादर के अंदर छुपा लो, बाकी हम निपट लेंगे। इससे भी आपने 1000 रुपए उधार ले रखे हैं, इसीलिए ये भी पैसा मांगेगा, इसीलिए अपने सर को अंदर छुपा लो। अरे केजरीवाल योगी जी, ये चादर के अंदर किसे बैठा के ले जा रहे हो? चादर के अंदर मुंह किसने छुपा रखा है? कौन है ये? अरे कोई नहीं राहुल, ये नीतीश कुमार जी को हम चादर में अंदर बैठा के ले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पैरों में दर्द हो रहा है, ये चल नहीं पाएंगे, इसीलिए चादर में बैठा के ले जा रहे हैं। तुम तो मोदी जी के घर जाते होगे उनसे पैसे लेने के लिए, जाओ वो घर ही पर रहे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, अपनी गधा गाड़ी में इतनी मट्टी भरोगे? थोड़ी सी मट्टी और लोड कर लो अपनी गधा गाड़ी में। मोदी जी आप एक चक्कर के पूरे 500 रुपए लेते हो, 500 रुपए में इतनी कम मिट्टी डालोगे मेरे घर पर? राहुल ज्यादा बेतुकी बात नहीं करते, 500 रुपए तुम एक चक्कर मिट्टी के देती हो, क्या दौलत दे देती हो मुझे? अभी नदी में पानी सूखा हुआ है, जल्दी से जितनी भी मिट्टी आ जाए इस गधा गाड़ी में उतनी ही मुझे भर के लेके चलने दो। चलो अब तो मिट्टी फुल हो गई इस गधा गाड़ी में, चलते हैं यहाँ से। अरे मोदी जी, 2 चक्कर मिट्टी मेरे घर पर डाल देना, 1000 रुपए चाहे अभी मुझसे ले लो, क्योंकि तुम एक बार में अपनी गधा गाड़ी पे जितनी भी मिट्टी ले जाते हो और घर पहुँचाते हो तो 500 रुपए लेते हो। मेरे घर पर 2 बार गधा गाड़ी भरकर मिट्टी डाल देना, लो 1000 रुपए ले लो। वैसे मोदी जी क्या लगता है ये नदी में पानी कब आ जाएगा? और जब नदी में पानी आ जाएगा फिर तो मिट्टी ले जाने की कोई जगह भी नहीं बचेगी। लालू जी अभी इतनी जल्दी नदी में पानी नहीं आएगा, क्योंकि अभी बारिश थोड़ी हुई है, जब बारिश ज्यादा होती है तो नदी में पानी आता है। फिलहाल तो मैं अपनी गधा गाड़ी में मिट्टी भर भर के लोगों के घर पर पहुंचा रहा हूँ और लंबा पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन मोदी जी आप तो हमसे 500 रुपए ले लेते हो, आप तो इस नदी में से फ्री में मिट्टी ले जा रहे हो, आपका तो कोई खर्चा भी नहीं है। खर्चा क्यों नहीं है राहुल, ये गधा कोई भूखा थोड़ी रहता है, शाम को ये चारा भी तो खाता है, इसके लिए चारा लाना पड़ता है मुझे और कुछ पैसे इंस्पेक्टर साहब को देना पड़ते हैं। अरे नाम लिया और ये इंस्पेक्टर साहब आ भी गए, अखिलेश इंस्पेक्टर साहब। अरे मोदी जी, हमने सुना है कि आप गधा गाड़ी में बहुत ज्यादा मिट्टी लोड करके ले जा रहे हो, आपको इस नदी से एक बार में गधा गाड़ी पर सिर्फ 3 क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है, और मैं देख रहा हूँ कि आप कम से कम 5-5 क्विंटल अपने इस गधा गाड़ी पे मिट्टी लाद के ले जा रहे हो। देख रहा हूँ एक बार में सिर्फ 3 ही क्विंटल मिट्टी ले जाने का परमिशन है मेरे पास, और अभी तुम कह रहे थे कि अपनी गधा गाड़ी में और मिट्टी भरो। तुम माना कि 500 रुपए चक्कर देते हो मुझे अपने घर मिट्टी ले जाने के, लेकिन मैंने भी इस नदी से मिट्टी निकालने का परमिशन ले रखा है, जिसमें मेरा काफी पैसा खर्च हुआ है। तुम तो ये समझ रहे हो ये नदी की मिट्टी है तो फ्री की मिट्टी है? अरे मैं नंबर एक तरीके से मिट्टी इस गधा गाड़ी में भर के और लोगों को बेचता हूँ। अखिलेश जी अब इसके बाद मैं ज्यादा मिट्टी अपनी गधा गाड़ी में लोड नहीं करूंगा, 3 ही क्विंटल मिट्टी लोड करूंगा, अभी फिलहाल मुझे जाने दो। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। केजरीवाल राहुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप रास्ते में मिल गए, नहीं तो मेरी मोटरसाइकिल रास्ते में ही खराब हो गई थी। वो तो ये कहो राहुल ने अपने गमछे से मेरी मोटरसाइकिल को बांध लिया
और गमछे को पकड़कर केजरीवाल जी की मोटरसाइकिल पर बैठ गए। अब केजरीवाल जी हल्के हल्के मोटरसाइकिल को चला रहे हैं और राहुल गमछे को पकड़े हुए है जिसके पीछे मेरी मोटरसाइकिल बंधी हुई है। इसी तरीके से दोनों की मोटरसाइकिल चल रही है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ मेरी मोटरसाइकिल अचानक मेरी मोटरसाइकिल बंद हो गई, स्टार्ट ही नहीं हुई। अरे केजरीवाल जी हल्के हल्के मोटरसाइकिल को चलाओ, तुम तो आगे हो, मैं पीछे बैठा हुआ हूँ। अगर आपके सामने कोई आ गया और आपने एकदम ब्रेक लगा दिए तो मोदी जी इतनी जल्दी ब्रेक नहीं लगा पाएंगे और उनकी मोटरसाइकिल आपकी मोटरसाइकिल से आगे टकरा जाएगी और पीछे मैं बैठा हूँ, मुझे चोट लग जाएगी। हाँ केजरीवाल जी, राहुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, एकदम ब्रेक मत लगा देना, मेरी तो इस मोटरसाइकिल के ब्रेक भी फेल हो चुके हैं, एकदम मोटरसाइकिल टकरा जाएगी अगर तुमने ब्रेक एकदम लगा दिए। ये बताओ मोदी जी, आपकी मोटरसाइकिल खराब थी, चलो कोई बात नहीं, राहुल के कहने पर मैंने आपकी मोटरसाइकिल को राहुल के गमछे से बांध दिया और वो खींच रहा है मोटरसाइकिल को, लेकिन एक बात तो बताओ, आपने पीछे अखिलेश को क्यों बैठा रखा है? एक तो आपकी मोटरसाइकिल को खींचना वैसी मुश्किल हो रहा है और ऊपर से आपने खराब मोटरसाइकिल पे पीछे अखिलेश को बैठा दिया है, ये कोई बात है? अरे हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आपकी खराब मोटरसाइकिल को खींच के ले जा रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी कि आप पीछे भी मोटरसाइकिल के एक आदमी बैठा ले। अरे केजरीवाल जी क्या दिक्कत हो गई अगर मैं मोदी जी की मोटरसाइकिल के पीछे बैठ गया? आपकी मोटरसाइकिल पे क्या ज्यादा वजन पड़ रहा है? मुझे आपकी ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अरे आप तो मोदी जी की मोटरसाइकिल को खींच ही रहे हो, अब मोदी जी की मोटरसाइकिल पे अकेले मोदी जी बैठे हो या पीछे मैं बैठा हूँ, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? अखिलेश फर्क पड़ता है। मुझसे पूछो मैं अंगोछे को कितनी कस के पकड़ा हुआ हूँ, अगर मैं अंगोछे को छोड़ दूँ तो तुम्हारी मोटरसाइकिल पीछे ही रह जाएगी। तुम दो लोग मोटरसाइकिल पे बैठे हुए हो इसीलिए इसे खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अखिलेश बुरा मत मानना, आपको यहीं पे उतरना पड़ेगा, अगर आप नहीं उतरोगे तो ये केजरीवाल जी राहुल मेरी खराब मोटरसाइकिल को घर नहीं लेके जाएंगे, इसीलिए आप यहीं उतर जाओ और भाई लोगों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।